हाय फ्रेंड्स, मैं हूं गीता और मेरे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बनाएंगे मीठे चावल। ये बनाने में बहुत ही सरल और खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं। हमारे राजस्थान में इसे बीनज के नाम से भी जाना जाता है। खासकर इसे त्योहार या किसी शुभ अवसर पर ज़्यादा बनाए जाते हैं। तो चलिए इस मीठी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए देखते हैं। ये मैंने 400 ग्राम चावल लिए हैं, इनको मैंने 1 घंटे पानी में अच्छे से भिगो दिए थे। ये मैंने 200 ग्राम चीनी ली है, आप चाहे तो ज्यादा भी ले सकते हैं यदि आपको ज्यादा मीठा खाना पसंद हो तो। 2 से 3 छोटे चम्मच देसी घी लिया हमने। ये लिया ऑरेंज फूड कलर। थोड़े से ड्राई फ्रूट लिए हमने, इसमें बादाम, काजू, किशमिश, 3 से 4 इलायची और ये थोड़े से नारियल लिए हमने, जिसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं मीठे चावल बनाना। सबसे पहले हम चावल को अच्छे से बॉईल करेंगे। उसके लिए हमने एक बर्तन ले लिया है और बर्तन में 1 लीटर पानी ले लिया हमने और इसमें डाल देते हैं ये ऑरेंज फूड कलर। इसको अच्छे से एक उबाल आने देंगे पानी के अंदर, उसके बाद ही हम इसमें चावल डालेंगे। तो हम इसको ढक देते हैं ताकि उबाल है जो जल्दी से आ जाए पानी में। तो देखिए फ्रेंड्स, ढक्कन हटा के चेक कर लेते हैं, पानी में एक अच्छा से उबाल आ गया है। तो इसमें हम चावल डाल देते हैं। चावल का पानी हमने जो था वो निकाल लिया था। चावल डाल दिए अच्छे से, इसको मिला के फिर से हम ढक्कन लगा के इसको अच्छे से पकने देंगे। ज्यादा नहीं पकाना हमें इसे, थोड़े से नरम हो जाए तब तक पकाना है इसे। तो फ्रेंड्स, 7 से 8 मिनट के लिए चावल को हमने अच्छे से पका लिया है। तो लगभग चावल पक गए हैं, देखिए इस तरह से चेक कर सकते हैं आप। देखो इस तरह से दब रहे हैं चावल, यानी पक गए हैं ये। बीच बीच में चेक करते हुए मीडियम आंच पे हमने पकाया था इसको। अब गैस की फ्लेम हम ऑफ कर देते हैं और इनके लिए तड़का तैयार कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने एक कढ़ाई ले ली है और कढ़ाई में ले लिया देसी घी। घी हमारे अच्छे से मेल्ट होने देंगे। घी अच्छे से गर्म हो जाए तभी इसमें डाल देंगे ये ड्राई फ्रूट्स, बादाम जिसको हमने काट लिया था, काजू इनको भी काट के रख लिया था और ये नारियल, सबको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। इलायची जिसके हमने दाने निकाल के रख लिए थे ये भी डाल देंगे। अच्छे से रोस्ट कर लेंगे इनको घी के अंदर। ड्राई फ्रूट को हमने अच्छे से रोस्ट कर लिया है तो इसमें डाल देते हैं ये बॉईल किया हुआ चावल। चावल को हमने एक छलनी में डाल के इसका पानी निकाल लिया हमने, देखिए चावल डाल के हम अच्छे से चला लेंगे इसको, इस तरह से मिक्स कर लेंगे सब चीजें। मिक्स करके इसमें डाल देते हम चीनी, इस तरह से फैला लेंगे, इस तरह से बिल्कुल हल्के हाथों से चलाना हमें ताकि चावल है जो हमारे टूटे नहीं, इस तरह से रहे। इसके ऊपर डाल देते हम चीनी, इस तरह से फैलाते हुए चीनी डाल देंगे हम और चीनी को भी अच्छे से मेल्ट होने देंगे। मिक्स करके बिल्कुल हल्के हाथों से चलाना हमें, इस तरह से ताकि चावल है जो बिल्कुल भी टूटे नहीं। चीनी को अच्छे से मिक्स करके अच्छे से चीनी का पानी सोख ले चावल, इसलिए हम इसको इस तरह से फैला के इस पे ढक्कन लगा के 5 से 6 मिनट के लिए मीडियम आंच पे इसको अच्छे से पकने देंगे। चेक कर लेते हैं हमारे चावल पके या नहीं पके। हमने लगभग इसको 7 से 8 मिनट के लिए अच्छे से पकाया था। बीच में हम चेक करते हुए पकाए इनको, बीच बीच में चेक करते हुए पका दिया था अच्छे से। चावल हमारे बन के एकदम रेडी हो गए हैं, देखिए एकदम सॉफ्ट हो गए हैं, एकदम खाने के लिए तैयार है। ये देखिए इस तरह से, और इसने पानी भी सोख लिया है सारा चावल में, बिल्कुल पानी भी नहीं है इसमें और एकदम खिले खिले बने हैं, देख सकते हैं आप। तो
गैस की फ्लेम हम ऑफ कर देते हैं और ऊपर से हम थोड़े से किशमिश डाल देते हैं जो हमने बचा के रखी थी और इसको भी इसके अंदर मिक्स कर लेते हैं। और इनको सर्व कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारे मीठे चावल बनके एकदम तैयार हो गए हैं। बहुत ही कम समय और सामग्री लगी है इनको बनाने के लिए। आप कभी भी बना के खा सकते हैं इसको। खास कर ये त्योहारों पे ज्यादा बनाए जाते हैं तो आप इसको कभी भी बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।